माय नेम इज़ पूजा कुमारी, आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड। मैंने लगभग एक साल पहले जी एस जुडिशल ज्वाइन किया था। एक्चुअली बचपन से ही मेरे स्टडी हिंदी मीडियम में रही है और मैं पढ़ने में भी काफ़ी वीक थी, बट जब जी एस जुडिशल आई, यहाँ पे सर और मैम काफ़ी सपोर्टिव हैं, ना कि सिर्फ मेरे लिए, यहाँ पे और भी वैसे स्टूडेंट जो वीक हैं, उन सबके लिए सर ने स्पेशली मेंटोरशिप हायर किया ताकि स्टडी रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। इससे काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, जब फर्स्ट टाइम मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट दिया था, तो मेरे से एक लाइन भी नहीं लिखा जा रहा था और उस वक्त मैं मैम के पास गई भी थी, तो मैम ने बोला कोई बात नहीं, अभी पढ़ के लिख लो, बाद में देखते हैं। और अभी मैं मीन्स मुझे ऐसा लगता है, मीन्स मुझे पर्सनली ये फील होता है कि मैं काफ़ी अच्छा मीन्स लिख लेती हूँ और मतलब इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे, और मुझे ऐसा लगता है जो मैं सच में फील करती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ की ये सबसे करेक्ट और बेस्ट डिसीज़न है यहाँ पे आना। और मैं ये भी कहना चाहूँगी उन स्टूडेंट के लिए जो लॉ पास आउट है, एक्चुअली मेरा भी ऐसा ही सीन था। जब मैं लॉ पास आउट की थी तो मुझे लगा था कि चलो कोई नहीं, जुडिशियल प्रिपरेशन कर लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई नहीं, प्रैक्टिस तो है ही। लेकिन जब यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगता है जिसको पढ़ने में मन नहीं भी लगता है ना, अगर वो यहाँ पे आ जाए सर की एक बार बात सुन ले, तो वो ईज़िली आराम से 8-10 घंटे पढ़ लेगा, जिसको एक घंटे में भी मन ना लगे पढ़ने को। और मैं ये कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई होप आगे भी ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। हेलो, माई सेल्फ विभोर एंड आई एम फ्रॉम बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। एक्चुअली कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट ऑन अ सीरियस नोट, जो मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इंस्टीट्यूट के लिए बताना चाहूँगा कि जब भी स्टूडेंट अपने घर से निकलता है एक मोटिव के साथ, एक ड्रीम के साथ निकलता है, और हर बच्चे का ये ड्रीम होता है कि मैं जिस पर्पज़ के लिए निकला हूँ वो पर्पज़ मेरा अचीव हो जाए। लेकिन होता क्या है, हर किसी की लाइफ में आजकल, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई नहीं बचा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, बट उस प्रॉब्लम से डील करना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, उसके साथ अपने ड्रीम को लेकर चलना, ये सबसे टिपिकल टास्क होता है हर इंसान की लाइफ में। अब उस लाइफ को जीना, उसके साथ सारी चीज़ पूरी करना, वो इस इंस्टीट्यूट से हमें सीखने को मिला। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमें डे बाय डे एक एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के साथ इंसान एक एक स्टेप बैक मूव करके अपना ड्रीम छोड़ देता है और कहीं ना कहीं इतना डिप्रेस हो जाता है कि मोस्टली, मतलब जितने भी बच्चे करने के लिए निकलते हैं, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए निकलते हैं, ऑलमोस्ट सभी उसको नहीं अचीव कर पाते। एक ये इशू नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी नेचुरल लाइफ को, अपनी सब चीज़ को हैंडल करने के साथ साथ उस टारगेट को अचीव करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे सर जो हमारी कोचिंग है, हमारे टीचर्स जितने भी सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, पूरा स्टाफ सब, उस मोटिव को अचीव करने के लिए वो हमको सिखाते हैं, वो हमको मोटिवेशन देते हैं कि नहीं, तुम कर सकते हो, और उस चीज़ से लड़ने की जो एनर्जी मिलती है, दैट गिव्स द मेन फीडबैक फॉर दिस इंस्टीट्यूट, कि आप कभी भी कहीं भी लैग नहीं कर पाओगे। आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल आपको यू कैन से दैट काउंसलिंग आपको इतनी अच्छी तरह से मिलती है कि आप डेली आप सपोज अगर आपको शाम को कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है, आपको खुद ब खुद मॉर्निंग में आकर आपको उसको डील करने का तरीका मिल जाएगा, और आप तुरंत ही एक फ्रेश स्टार्ट के साथ अगला दिन पूरा आपका इतना अच्छा जाएगा कि प्रिपरेशन में भी आप कहीं लैग नहीं करोगे। डेली एक नई स्टार्टिंग के साथ साथ आप पूरा अपने जो टारगेट है आप उसको अभी भूल ही नहीं सकते। और मुझे एट दी एंड ये ज़रूर अपने आप पर ये बिलीव है कि आज नहीं तो कल मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा विद दी ब्लेसिंग्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज सेजल, आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड करेंटली अ स्टूडेंट ऑफ जिया जुडिशियल्स। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग दैट व्हाट इज माय एक्सपीरियंस एट जिया जुडिशियल्स। तो सबसे पहले, कभी भी कोई एक स्टूडेंट जब ये ड्रीम परस्यू करता है दैट ही और शी विल बी अ फ्यूचर जज, तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एक ये होती है कि कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, विच इज़ बेस्ट और विच इज़ नॉट। ये कन्फ्यूजन मुझे भी शुरू हुई जब मुझे ये लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ गुड इंस्टीट्यूट। सो देर आर वन और टू इंस्टीट्यूट्स विच आर फेमस एज बेस्ट, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड एन इंस्टीट्यूट विच कैन वर्क फॉर मी एट माई बेस लेवल, जिससे मेरा बेस लेवल पे जाके मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और जहाँ पे मुझे एक इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक पर्सनल लेवल पे अटेंशन मिलती हो फॉर देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स।
तो बहुत सालों बाद मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी. मैंने उससे डिस्कस किया कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट सजेस्ट करे. तो ही सजेस्टेड मी कि देयर इज़ अ टीचर एट हिज कॉलेज जो पढ़ाते हैं, उनका एक इंस्टीट्यूट है जिया जुडिशियल्स लक्ष्मी नगर में. देन आई वेंट टू दिल्ली एंड आई केम हियर एट जिया जुडिशियल्स. मैंने सर से बात की तो मैंने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या कैसे क्लासेस होते हैं, क्या क्या वहाँ पे हमें अवेलेबल होता है. तो बाय टॉकिंग टू सर आई वाज टिल देन 50% श्योर कि आई वांट टू जॉइन हियर. बट दैट 50% वाज लैकिंग बिकॉज हर स्टूडेंट के मन में एक बैकग्राउंड लेवल पे एक क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होता है कि क्या कहीं मेरी फीस फर्स्ट तो नहीं जाएगी या आगे मुझे समझ नहीं आया. अगर तो यहाँ पे एक और एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट को एक 100% वन मंथ रिफंड पॉलिसी भी देते हैं कि इफ़ इन एनी केस स्टूडेंट को कोई सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आती है कि फाइनेंशियल इशू होता है या वो नहीं पढ़ पाते हैं, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट इशूज होता है, तो दे कैन गो बैक. तो काइंड ऑफ आई वॉज नाउ 100% श्योर. तो मुझे डेमो क्लासेस भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ा. देन आई टुक माई फर्स्ट क्लास. तो पहली ही क्लास लेने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो मैंने ये डिसीज़न लिया है जिया जुडिशियल्स में आने का, वो बिल्कुल एक सही डिसीज़न है. एंड मुझे अभी तक एक महीना हुआ है यहाँ पे ज्वाइन किए हुए और मुझे अपने अंदर चेंजेस दिख रहे हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट्स एट द बेस लेवल क्लियर हो रहे हैं. मुझे इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है जो शायद मुझे कभी ना कभी चाहिए थी. थैंक यू. हेलो, माय नेम इज़ शाह फरीद. मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ. मैंने जिया जुडिशियल ज्वाइन किया था इस साल जुलाई में. इतने दिनों में मैंने अपने अंदर बहुत से चेंजेस देखे हैं जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं. जैसे कि मेरी पढ़ाई को लेके बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आए हैं. मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत सी चेंजेस आई हैं. जिया जुडिशियल्स में आके मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी. जो कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आता था पहले, या मैं कंफ्यूज होता रहता था बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख के कि ये बहुत टफ है, यहाँ पे आके सर उसे बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं. सर के पढ़ाने के तरीके के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सर बोरिंग सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट आने लगेगा. और सर जैसे हमारे यहाँ होती है, हमारे वीकली प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ होती है जिससे आप अपने ग्रोथ को भी मॉनिटर कर सकते हो. हमें पर्सनली मुझे जीके जीएस से बहुत डर लगता था, बट यहाँ पे आके जीके जीएस की क्लास लेके मुझे समझ में आया कि जीके जीएस इतना भी टफ नहीं है, वो भी हम कर सकते हैं. जिया जुडिशियल्स में आके आई कैन से दैट आई एम क्लोजर टू माई ड्रीम्स एंड वन डे आई विल श्योर अचीव इट. अगर आप में से भी कोई जज बनना चाहता है, वो जिया जुडिशियल आके अपना लक ट्राई कर सकता है. थैंक यू.